जी जब जब हमें बैटर्स होते हैं तो हम एंट्री करते हैं बैडेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। जब हमारे पास बैटर्स होते हैं तो हम उनको रिसीवेबल से निकाल देते हैं। और मिसाल के तौर पर अब हमें लगा था कि ये जो एज इसे हमारे 50,000 देने थे, ये हमें अभी 50,000 पे नहीं करेगा। आपने इसको ट्रीट कर दिया बैडेट्स, आपको लगा कि ये पैसे तो अब नहीं मिलेंगे। लेकिन अगले पीरियड में या 1 साल बाद या 2 साल बाद उस आदमी ने कहा कि भाईजान मैं आपको पैसे दे देता हूँ, क्या करता हूँ मैं आपको पैसे दे देता हूँ, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे? जब बैड डेट्स हुए थे तो हमने इसको क्या ट्रीट किया था? बैड डेट एक्सपेंस ट्रीट किया था। अब हमें ये रिकवरी होगी तो हमारे लिए क्या होगी? इनकम होगी, इनकम होगी। लेकिन जब हमारी बैड डेट्स रिकवरी होगी तो हमें कैश देगा, डेबिट तो कैश ही होगा। अगर ये बैड डेट्स हमें फ्यूचर में रिकवर हो गए और ये हमें 50,000 रुपए दे देता है तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जब पैसे आएंगे तो हम कैश को डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? कैश को डेबिट कर देंगे। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये बैड डेट्स रिकवरी हुई है डाउटफुल डेट्स की, अगर ये किसकी रिकवरी हुई है डाउटफुल डेट्स की, तो फिर क्रेडिट क्या होगा? और अगर हमने ये रिकवरी की है बैड डेट्स की फिर एंट्री क्या होगी? लेकिन ये कंफर्म है कि जो भी हमें पैसे मिलेंगे वो हमारे पास क्या होंगे भैया? हमारे बैड डेट एक्सपेंस को क्या करेंगे? कम करेंगे। किसको कम करेंगे? बैड डेट एक्सपेंस को क्या करेंगे? कम करेंगे। तो हम क्रेडिट किसको कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट या बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 50,000। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बैड डेट एक्सपेंस का अकाउंट बनाएंगे तो उसमें अब 3 चीजें हो सकती हैं। बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट में एक तो हो सकते हैं आपके बैड डेट्स। फॉर एग्जांपल आपके इस साल बैड डेट्स हुए 55,000 कर दो। आपके बैड डेट्स में 55,000 इंक्रीज इन अलाउंस हमारे बैड डेट एक्सपेंस को बढ़ाएगा या कम करेगा? इंक्रीज इन अलाउंस हमारे बैड डेट एक्सपेंस को बढ़ाएगा। तो हम कहेंगे जी शायद अलाउंस इंक्रीज इन अलाउंस 10,000 था, लेकिन अब आपको रिकवरी होगी 50,000 की, तो आप कहेंगे जी हमें कैश आ गया, कैश खुद डेबिट होगा और बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट को क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा 50,000 से। तो इस साल पीएनएल में बैड डेट एक्सपेंस कितना जाएगा? और मैं बता रहा हूं बार बार कि बैड डेट एक्सपेंस का बैलेंसिंग हमेशा कहां जाता है? पीएनएल में जाता है। तो वो भी हैवी साइड का टोटल करेंगे 65,000, दूसरी तरफ लिखेंगे 65,000, तो बैलेंसिंग कितना होगा? 15,000। और ये 15,000 कहां जाएगा भैया? पीएनएल में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर द ईयर एक्सपेंस हमारा बन रहा था 65,000, लेकिन बैड डेट रिकवरी ने हमारे एक्सपेंस को क्या कर दिया? कम कर दिया। बजाय एक्सपेंस 55,000 बैड डेट्स थे, इंक्रीज इन अलाउंस 10,000 था। टोटल हमारे पास जो एक्सपेंस बन रहा था 65, लेकिन अचानक बैड डेट्स रिकवरी हो गई, हमने कैश को डेबिट किया, बैड डेट एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया, रिकवरी हो गई। तो कैश डेबिट किया, कैश खुद डेबिट होगा तो बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, तो 50,000 रिकवर हो गए, 65,000 खर्चा था, 50,000 इनकम होगी, तो नेट पीएनएल में कितना जाएगा? 15,000। पीएनएल इसको क्रेडिट कर रहा तो खुद क्या होगा? डेबिट होगा। तो इसका मतलब है इस साल जो हमारे पीएनएल में बैड डेट एक्सपेंस जाएंगे वो जाएंगे 15,000। बोले जी यहां तक किसी को कोई मसला? बैड डेट एक्सपेंस रिकवरी हमारी क्या कहलाएगी? इनकम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इनकम। और वो जो बाकी हमारा बैड डेट एक्सपेंस होगा उससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसकी वजह से बैड डेट एक्सपेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहां तक क्लियर है जी? ओके, इसमें बस एक चीज रह गई है। अब आ जाए जरा आप पेज नंबर 157 पे। पेज नंबर 157 पे उसने एक हमारे पास बनाया हुआ है एज एनालिसिस। एज एनालिसिस में आपको वो कह सकता है कि कुछ रिसीवेबल 30 दिन पुराने हैं, कुछ रिसीवेबल 60 दिन पुराने हैं और कुछ रिसीवेबल 90 दिन पुराने हैं। और पेपर में वो आपसे कह सकता है
कि भाई जो 30 दिन पुराने हैं उन पे अलाउंस लेना 5%, जो 60 दिन पुराने हैं उन पर अलाउंस लेना 6%, और जो 90 दिन पुराने हैं उन पे अलाउंस लेना 10%। मतलब ये है कि जो जितना पुराना रिसीवेबल है उस पर आपका डाउट ज्यादा है। 90 दिन पुराने पे आप कह रहे हैं भाई 10% शायद ना मिले, अभी जो महीने वाले आप कह रहे हैं 5% ना मिले, तो आपको अलाउंस आप ले रहे हैं। डाउटफुल डेट्स पर हम क्या लेते हैं? अलाउंस। तो वो पेपर में आपको बता देता। तो एज एनालिसिस का मतलब यही होता है कि रिसीवेबल को उनकी एज के मुताबिक बायफरकेट किया जाता है अलग अलग। और रिसीवेबल की एज का मतलब कौन से रिसीवेबल कितने पुराने हैं, तो उनको अलग अलग कर लेंगे। और अगर वो अलग अलग परसेंटेज पेपर में बता दे, जैसे उसने नीचे एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 157 है, इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 उसने में दिया है, उसने कहा भाई जान आपके जो रिसीवेबल है ना आफ्टर द ईयर